स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ हिंदी सेकेंड व्याकरण 12 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा ये रचनात्मक लेखन है चैप्टर का नाम। इसमें संवाद लेखन बताया गया है कि संवाद क्या होता है। संवाद का अर्थ होता है बेटा बातचीत या वार्तालाप करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उसको हम कहते हैं उसके लिखित रूप को संवाद लेखन कहा जाता है, और जो वार्तालाप करते हैं बातचीत करते हैं उसको संवाद कहा जाता है। अब इसमें चलिए चैप्टर में संवाद लेखन बताया गया कि संवाद लेखन कैसे होता है। अब सानिया और लक्ष्मी के बीच का संवाद पोंगल के त्यौहार के विषय में। सानिया कहती है लक्ष्मी कई दिनों से दिखाई नहीं दी, कहीं बाहर गई हुई थी क्या? तो लक्ष्मी कहती हाँ मैं अपनी दादी के यहाँ पोंगल का त्यौहार मनाने चेन्नई गई हुई थी। अब सानिया उससे कहती है मुझे इस त्यौहार के बारे में बताओ, ये कैसे मनाया जाता है? लक्ष्मी कहती है ये त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है, और इस त्यौहार पर क्या क्या करते हैं सानिया पूछती है। तो लक्ष्मी बताती है कि पोंगल का पहला दिन भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है, और इस दिन घर की हम लोग साफ सफाई करते हैं, और साफ सफाई से निकला पुराना बेकार सामान रात को जला दिया जाता है। सानिया कहती है दूसरे दिन क्या करते हैं? लक्ष्मी उससे बताती है कि दूसरे दिन थाई पोंगल मनाते हैं। इस दिन मिट्टी के बर्तन में खीर बनाकर सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है। इसी दिन सुबह घर की चौखट पर कोलम बनाया जाता है। और सानिया फिर पूछती है कि फिर तीसरे और चौथे दिन क्या करते हैं? लक्ष्मी बताती है कि तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन पशुओं की पूजा की जाती है, और चौथे दिन अंतिम दिन जो होता है वो कन्नुम पोंगल मनाया जाता है। इस दिन औरतें अपने भाइयों की उन्नति की कामना करती हैं। सानिया पूछती अरे वाह ये तो बड़ा मज़ेदार त्यौहार है, अब तो मेरा मन भी पोंगल के त्यौहार में शामिल होने के लिए कर रहा है। तो ये दो क्या है बेटा, ये संवाद है। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। होमवर्क में आप ये संवाद अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, अध्यापिका और वरुण के बीच संवाद, ये इसमें आपको नोटबुक पे लिखना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।